रोज़ रोज़ की आंधी तूफान ने प्लांट्स को परेशान भी बहुत किया हुआ है। मौसम अच्छा हो जाता है बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना गिर ज़रूर जाते हैं। जिस तरीके से बड़ा सा मेरा फाइकस का पौधा प्लास्टिक के गमले में रखा है, एक्चुअली ये प्लास्टिक गमला बहुत हल्का है लेकिन ये प्लांट काफ़ी भारी हो चुका है तो ये गिर जाता है बार बार। कल भी आंधी तूफान आए तो ये गिर गया। चलो, लोगों की छत में गिरने से अच्छा है कि अपनी छत में ही गिर जाए। ये देखिए, और ये गमला भी गया। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज यहां पे चेंजेस करने वाली हूं, कुछ धीरे धीरे कर रही हूं, ऐसा नहीं कि एकदम से, बट हाँ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आपको इस कॉर्नर में काफ़ी हरियाली दिखाई देती थी क्योंकि बेलें काफ़ी फैली हुई थी। यहाँ पर ककड़ी की बेल है, खरबूजे की बेल है, तो खीरे की भी थी, बट अब क्या हो रहा है ना कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी में तो ये चीज़ें लग नहीं पाएंगी तो मैं बेलों को हटा रही हूँ। हालांकि फ्लावरिंग उन पे हो रही है बट अब वो उतना रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे खीरे पे नहीं मिला इस बार, बट स्टिल ये है कि अब इनको हटा के हम नई चीज़ें लगा सकते हैं। दो तीन पौधे मैंने लगा लिए यहाँ पर ऑलरेडी, जैसे कि बैंगन के पौधे देखोगे आप। इन पौधों को मैं नर्सरी से लेके आई थी, 6 प्लांट्स मैं लेके आई थी जो कि सारे के सारे अच्छे चल रहे हैं। और ये छोटे बैंगन हैं, आई थिंक लंबे वाले छोटे बैंगन हैं ये, तो इनको मैंने 3 को जब मैं इनको नर्सरी से लेके आया इनको छोटे गमले में लगा दिया था। जैसे कि आप यहाँ देखोगे 3 पौधे इस गमले में लगा दिए थे, 3 इसमें लगा दिए थे। इनको भी ट्रांसप्लांट करना रहता है तो ये बहुत ही छोटे थे पौधे, बट अब इन्होंने अच्छी ग्रोथ ले ली है। इनको मैंने तब से छाया में ही रखा हुआ था, मतलब नेट के नीचे रखा था और सनलाइट प्रॉपर में, फुल सनलाइट में नहीं रखा हुआ था, बट हाँ ग्रीन नेट के नीचे था कि अच्छे हो गए हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 3 पौधे मैं ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कर चुकी हूँ जैसा कि आप यहाँ देखोगे, और एक ग्रो बैग में मैंने एक ही प्लांट लगाया है इस बार। देखेंगे मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, एक ग्रो बैग में कभी भी मेरा एक प्लांट नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं। जैसे कि ये पे है, अभी 3-3 प्लांट ये एक साथ लगे हुए हैं, इसमें तो आई थिंक 4 है, और इस तरीके से मैं लगा देती हूँ। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया कि इस बार मैं ये जो सारे ग्रो बैग्स देख रहे हो आप, एक एक प्लांट ही लगाऊंगी। ये 6 ग्रो बैग्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक वो बीच में खाली पड़ा है, बट हाँ देखेंगे। उसमें मैंने लगाई थी बेलें बट वो ख़राब हो गई थी, तो अभी देखते हैं। 5 उसमें एक भिंडी का पौधा लगा है, वहाँ से बेल नहीं हटा सकती क्योंकि वो खरबूजे की बेल है। एक खरबूजा वहाँ पर लग रहा है जिसको मैंने थोड़ा ढका हुआ है, पता नहीं साइज़ छोटा ही है, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से हटा देती हूँ बेलें, एक ये कंटेनर खाली हो गया है, एक ये हो गया है, तो 2 पौधे मेरे यहाँ पर और लग जाएंगे। मतलब मौसम तो अच्छा हो जा रहा है ना, बट प्लांट्स कहीं ना कहीं नुकसान खा जाते हैं। ये मिट्टी गीली है तो हम इसको मिट्टी के समेत ही निकालेंगे, मिट्टी हटाने की कोशिश करेंगे तो इसकी जड़ें जो है ना वो फिर ख़राब हो जाएंगी। एक एक करके निकालते हैं और लगाते जाएंगे। चलिए, बेशक मिट्टी गीली है फ्रेंड्स, पर जो पौधे आपने नए लगाए हैं
फाइनली इस कंटेनर में मिट्टी भर के मैंने प्लांट लगा ही दिया। साथ ही यहाँ पर जो सीड्स मेरे जर्मिनेट हो गए थे पम्पकिन के, इनको भी यहाँ से निकाल के दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। ये ग्रो बैग तो काफ़ी छोटा सा है वैसे भी, इसमें ये चिली का पौधा लगा हुआ है जिसमें कि मिर्चें लगती रहती है, फूल भी देख रहे हो कितने सारे आए हैं, तो इनको निकाल के बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। मिट्टी के समेत ही निकालूंगी फ्रेंड्स। और दूसरा यहाँ पे लगा देती हूँ। भी ये घी की बेल है, थोड़ी बहुत उम्मीद मुझे इससे अभी भी है कि शायद इस पर कुछ लग जाए। इसको प्रून कर देती हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। लो जी, दोनों पौधे हमारे लग गए। जब तक ये पौधे बड़े होंगे तब तक इसमें भी शायद कुछ लग जाए। पानी डाल देते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये खरबूजे की बेलें हैं, एक दो खरबूजा भी लगे हुए हैं इसमें, जैसे कि आप देखोगे ये लगा है। अब ये खरबूजा है कि वाटरमेलन है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कौन से सीड इस ग्रो बैग में लगाए थे। शेप वाटरमेलन जैसी लग रही है, और यहाँ पर भी एक लगा हुआ है। तो अभी ना ये पकेंगे नहीं, यू नो, जब तक हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट ना करें इसमें। आपको करना क्या है कि जिस डाल पे ये लगा हुआ है, जिस ब्रांच पे लगा है, उसको छोड़ के बाकी सभी ब्रांचेस काट दीजिए, तो ये जल्दी पक जाएगा। इससे प्लांट अपनी सारी एनर्जी इसी पर फोकस करेगा, तो मैं भी यही करने वाली हूँ। फिलहाल इसको यहाँ रख देती हूँ, और ये काम ध्यान से करने वाला है, क्योंकि कई बार गलती से हम उसी ब्रांच को काट देते हैं जिसमें कि फ्रूट लगा होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे पहले हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ही आगाह कर रही हूँ, तो आप ये ध्यान से कीजिएगा बिल्कुल। ये देखो, जैसे ये ब्रांच है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये ब्रांच पावर ले रही है लेकिन प्लांट की ना, तो आप इसे यहाँ से कट कर दो। ये गई, जिसमें ये फ्रूट लगा है वो ये वाली ब्रांच है, ये पतली वाली, तो इसे भी हम काट देते हैं। होपफुली इसमें आगे कुछ ना लगाऊं। वापस निकाल सकते हो। बेले लगाने का एक फ़ायदा और है फ्रेंड्स, पता है क्या, जब आप बेले हटाते हो ना तो बहुत सारी आपको ग्रीन कंपोस्ट मिलती है। कंपोस्ट नहीं, मतलब ग्रीन वेस्ट मिलता है, जो कि आप कंपोस्टिंग में उसको यूज़ कर सकते हो। फीमेल फ्लावर था यहाँ पे एक, पर वो पॉलिनेट नहीं हुआ, तो इसको भी हम हटा देते हैं। बाकी सूखी पत्तियाँ हटा सकते हो आप। ये हटा दी मैंने, अब देखना है कितनी जल्दी पक जाएगा। तो इसमें भी आगे कुछ नहीं लगा है मेरे ख्याल से, ये वाली ब्रांच है ये खाली यहाँ पे घूम रखी है इतनी, बस और कुछ नहीं, तो इसे भी हटा देती हूँ मैं। ये लो, अब इस पौधे पे सिर्फ ये ब्रांच आएगी जिसपे फ्रूट लगा हुआ है। उसके साथ साथ दो पौधे हैं ना यहाँ पे, एक ये भी है, इसकी एक ही ब्रांच है ये जो आ रही है कॉन्टिन्यू में, और इसी पे आगे जाके ये फ्रूट लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अगर इस पर कोई और ब्रांच है, जैसे कि ये फ्रूट यहाँ पे लगा है, दूसरा यहाँ लग रहा है, तीसरा यहाँ लग रहा है, तीसरे वाले को हटा दो। इतने फ्रूट्स नहीं लग पाएंगे फ्रेंड्स, कंटेनर में इतने फ्रूट्स नहीं लग सकते, इसलिए आगे वाले को हटा दे ब्रांच, इसको थोड़ा सहारा दे दो। एक बेल ये भी है, इस पर भी ककड़ी लगी थी पर अब इस पर कुछ नहीं लग रहा, तो इसे भी हटा देती हूँ मैं। गार्डन को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स,
कितना सारा कचरा यहाँ निकल गया, ग्रीन वेस्ट। तो अब होपफुली ये जल्दी पक जाएंगे फ्रूट्स। ये ब्रांच है, ये ब्रांच इसी पौधे से आ रही है क्या? नहीं, इसे मैं काट चुकी हूँ। नहीं, ये देख, ये हटा दो, ये एक्स्ट्रा है। और एक काम आप और भी कर सकते हो, इसको आप आगे से काट दो, जहाँ पे इसके फ्रूट लगे उससे आगे से इसको प्रून कर दो। एक फ्रूट ये लगा इस ब्रांच पे ना, ताकि इस ब्रांच की बजाय आपके प्लांट की जो पावर है यहाँ पे डाइवर्ट हो जाए। ये देखो, ये सीधा जाने की बजाय यहाँ डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसे हटा देते हैं। अब ये जल्दी पक जाएंगे फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स आज का गार्डन वर्क। अभी भी कुछ पौधे हैं जो ट्रांसप्लांट करने हैं, जैसे कि टमाटर के, ये मैंने कर दिए हैं। इनके ऊपर नेट करके जाऊंगी आज मैं, तभी ये बच पाएंगे, नहीं तो धूप तो बहुत तेज़ होगी तो फिर ये ज़्यादा बच नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। बाय बाय।